हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली ईआरपी 9 की। ईआरपी 9 में क्या खास है, क्या सिखाने वाला हूं, आइए आपको बताता हूं। यहां पे टैली ईआरपी 9 ओपन किया है मैंने। यहां पर देख सकते हैं ये गेटवे ऑफ टैली है, टैली की मुख्य मेन्यू। अब ये जो टैली की मुख्य मेन्यू है इसमें हमें एंट्री पास करना है परचेज वाउचर में, और फिर हम पास करेंगे सेल्स वाउचर में। तो ये कैसे कैसे होगा इसी के बारे में समझेंगे। देखिए यहां से वी प्रेस कर देते हैं और यहां पर देख सकते हैं सिनेरियो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब जैसे ही यहां पर साइड में ये जो पट्टी सी दिख रही है आपको, यहां पर एज ये देखिए, ये एक लाइन नीचे बनी हुई है आई के ठीक नीचे। तो यहां पर जैसे ही ऑल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे तो आप आइटम इनवॉइस में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें अभी इसी मोड में रहना है, क्योंकि सवाल क्या है हमारा, सवाल ये है कि 2000 रुपए की खरीदारी किया, कुंदन से 2000 रुपए की खरीदारी किया गया। तो ये केवल सवाल है, और किसी पर्टिकुलर डेट जैसे 1 अप्रैल 2021 को कुंदन से 2000 रुपए का सामान खरीदा, इस तरह का सवाल अगर आपके सामने भी आ जाए तो आसानी के साथ एंट्री पास करेंगे। कैसे पास करेंगे, ये तो मोड इस तरीके से चेंज कर लीजिएगा। मोड चेंज करना बहुत आसान है, मैंने आपको बताया ही। यहां से आप देख ही रहे हैं एज वाउचर, जैसे ही आप होंगे तो यहां 2 दिखेगा, लेकिन हमें एज वाउचर नहीं रहना है, इनवॉइस में ही रहना है। तो इस तरीके से आप इस मोड में आ जाइएगा और एंटर प्रेस कीजिएगा। एंटर प्रेस कीजिएगा, यहां पर वो क्रेडिटर पार्टी आएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं मुकेश कर देता हूं, मुकेश हमारी क्रेडिटर पार्टी है, उसका नाम यहां पर आ जाएगा। और एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, यहां पर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए इनका, ठीक है। तो ये स्टेट हमने लगा दिया और यहां पे एंटर प्रेस करके यहां पर आ गए। और यहां पे क्या करना है आपको, परचेज अकाउंट का लेजर लगाना है, कितने की खरीदारी हुई है। जैसे मान लीजिए 2000 की हुई है तो यहां पे 2000 लगाइए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। फिलहाल मैं वैट वगैरह नहीं लगा रहा हूं, ना ही जीएसटी लगा रहा हूं, बाहर आता हूं। अब मान लीजिए इसी चीज को सेल्स में दिखाना हो तब क्या करेंगे, तो सेल्स वाउचर में जाएंगे, F8 प्रेस कर लीजिए। सेल्स वाउचर में जाने के लिए यहां पे रेफरेंस नंबर डाल दीजिए आप और एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर, तो अगर डेटर पार्टी का लेजर नहीं बनाया तो बना लीजिए, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए। यहां पर मैं कर देता हूं युवराज, ठीक है, युवराज लिख दिया, और ये हमारी डेटर पार्टी है। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, सन्ड्री डेटर के ग्रुप में इसे डाल देंगे। तो ये सन्ड्री डेटर कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, और एंटर प्रेस करते हुए इसको करा लिया हमने एक्सेप्ट, ठीक है। फिर यहां पर एंटर 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 प्रेस करते हुए चलेंगे और इसको भी एक्सेप्ट कराएंगे। यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा सेल्स अकाउंट का लेजर। तो यहां पर सिंपली सेल्स अकाउंट कर दीजिए, इस तरीके से सेल्स अकाउंट, इस तरीके से आप लेजर बना लीजिए और इसको डाल दीजिए अंडर सेल्स अकाउंट में। तो ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट, और जैसे ही सेल्स अकाउंट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा आसान, ठीक है। ये हो गया, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, हो गया। अब कितने का आप बेच रहे हैं, जैसे 2000 का खरीदा था तो हम बेच रहे हैं 3000 रुपए का, ठीक है, वही सामान 3000 में हम बेच दे रहे हैं। यहाँ पे ये डिटेल नहीं दी गई है कि क्या क्या सामान खरीदा या बेचा गया है, दोनों ही में, परचेज में भी देख सकते हैं, सेल्स में भी देख सकते हैं। तो इस तरह की भी अगर आपको एंट्री दी जाती है तो इसी तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।